हेलो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो जैसे कि थंबनेल आपने देखा कि बेस्ट एमबीबीएस कॉलेज इन नोएडा दिल्ली एनसीआर, तो गाइस आज मैं आपको टूर कराऊंगा इस कॉलेज का, ये यूनिवर्सिटी का, देखेंगे कि आप कैसा है यूनिवर्सिटी। तो गाइस मैं ये बता दूँ कि स्पेशली जो ये मेडिकल कॉलेज बना, ये जो यूनिवर्सिटी बनाया है शारदा यूनिवर्सिटी, तो ये जो बनाया है सिर्फ एमबीबीएस एमडी मेडिकल पारामेडिकल जितना भी है सारे इन्हीं कोर्सों के लिए बनाया गया स्पेशल। अब देख के आपको खुद ही पता पड़ जाएगा। तो गाइस और दूसरी चीज़ की गाइस आज मैं बहुत ही खुश हूँ, एक मेल, इसलिए कि मेरे को एक मेल आई आज YouTube की तरफ की, कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपका ये 100 सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है। तो गाइस आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, तो गाइस मैं आपसे बहुत ही थैंक यू कहना चाहता हूँ। और गाइस मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब करें ताकि मैं 1000 भी क्रॉस कर जाऊँ। तो गाइस 1000 किसी तरह क्रॉस करवाएं मेरा। तो और गाइस किसी को भी अगर समझ में नहीं आता है या कुछ डाउट हो तो मेरे को कॉल करें, मैं कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा उधर, कोर्स के बारे में सब चीज़ बता दूंगा। और किसी को कोई दूसरा भी कोर्स चाहिए या तो जैसे डिपार्टमेंट वाइज, जैसे एमबीबीएस का हो गया, एमडी का हो गया या एमएस हो गया, जो भी डिपार्टमेंट में बनाना हो, डिपार्टमेंट दिखाना हो, तो मेरे को आप मैसेज करें, मैं उसका वीडियो बनाऊँगा। या इनका हॉस्पिटल देखना हो आपको कैसा है इनका हॉस्पिटल, तो वीडियो बनाऊँगा उन पर, तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट क्या बोलते हैं आप कॉमेंट्स करके बता दें कि क्या बनाना है, तो मैं उधर वीडियो बना दूँगा उस पर। जैसे हॉस्पिटल हो गया या तो इनका कैंसर हॉस्पिटल जो बन रहा है अभी, कैंसर हॉस्पिटल उनका बना दूंगा मैं वीडियो। तो गाइस मेरे को आप कमेंट कर दें या कोई भी डाउट हो तो मेरे को फ़ोन करें, मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा। ओके गाइस, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसा है कॉलेज। हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं यहाँ पे और ये इनका एंट्री गेट है, ये मेन एंट्री गेट है। गाइस आपको कोई भी चीज़ हो, कोई भी जानकारी लेना हो तो गाइस कमेंट्स करें, और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा, अगर पूरी डिटेल्स जानना हो तो मेरे को कॉल कर लेना आप लोग, ठीक है गाइस। और गाइस यार सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, ठीक है। तो ये जो आप सामने वाली बिल्डिंग देख रहे हैं ये इनका डेंटल हॉस्पिटल, सॉरी डेंटल स्कूल है, स्कूल ऑफ डेंटल, ठीक है। और ये जो है ये वाली बिल्डिंग है स्कूल ऑफ रिसर्च एंड बेसिक साइंस। और अब हम चलते हैं एडमिशन सेल की तरफ। ये स्कूल ऑफ बेसिक साइंस एंड रिसर्च, ठीक है गाइस। और सामने वाला वो है जो दिख रहा है वो एडमिशन सेल। तो गाइस ये बहुत ही अच्छे मेडिकल कॉलेज है, और स्पेशली आप मान लो कि इनका जो कॉलेज है स्पेशली फॉर मेडिकल पर्पस के लिए बनाया गया है इनका। बाकी तो इन पर इंजीनियरिंग भी होता है और बहुत सारी कोर्स एमबीए भी होती है, सब चीज़ होती है, पर मेडिकल के लिए फेमस है ये। गाइस आप देख रहे होंगे कि आज भीड़ भी नहीं दिख रहा है, स्टूडेंट नहीं दिख रहे होंगे गाइस, क्योंकि आज मैंने संडे पे वीडियो बनाया ना, इसलिए भीड़ नहीं है, क्योंकि वो ना ऐसे अगर अदर डे में बनाते हैं तो बहुत भीड़ क्राउड होती है और वीडियो बनाने में नहीं देते इधर को, वो अलाउ नहीं है वीडियो बनाना। तो संडे को मैंने रिक्वेस्ट करके उधर से तभी वीडियो बनाने दिया, फिर भी वहाँ पर अंदर जाने के बाद उन्होंने मना भी कर दिया था कि मत बनाओ वीडियो। मैंने बोला कि मेरे पास परमिशन है, फिर भी उन्होंने नहीं माना उतना, तो मैंने फिर भी बना ही लिया वीडियो। तो ये एडमिशन सेल है, आप अगर एडमिशन के लिए आते हैं तो यहाँ पे पहले आपको आना पड़ेगा, इधर ही 3 नंबर गेट से एंट्री होते हैं हम एडमिशन सेल में, ठीक है। और ये इनका इंजीनियरिंग कॉलेज, ये वाला जो सामने देख रहे हैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। और ये पार्क है गाइस, सामने का जो पार्क है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत पार्क है। ये इधर से शुरू होता है ब्लॉक 1 पे से शुरू होता है इधर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी,
तो गाइस इधर का इंजीनियरिंग तो उतना सही नहीं है इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन जो है अभी क्या बोलते हैं कि मेडिकल फील्ड के लिए तो इधर बेटर है यार, बहुत बेटर है। ठीक है गाइस, तो फिर आप चलते हैं एडमिशन सेल के अंदर पे, ठीक है उधर देखते हैं कोई है या नहीं है। तो आज तो संडे है, मुश्किल है कि उधर होगा भी कोई, तो पता करते हैं कोई है या नहीं। अगर रहेगा तो मैं बात करूँगा क्या है प्रोसेस क्या है एडमिशन का, वैसे तो हमने बात कर ली है एक बार, फिर एक बार आप लोगों के सामने ही बात कर लूँगा तो सही रहेगा। ये एडमिशन सेल की एंट्री गेट है, ये सफाई वगैरह हो रहे हैं अंदर टाइल्स के। ये एडमिशन सेल का ग्राउंड है, यहाँ पे जो आप एक देख रहे हैं व्हाइट सा पौधा लगा हुआ, तो गाइस उसी जगह पे अब जाते हैं जब, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं रिसेप्शन है, रिसेप्शन में जाके आप अगर पूछते हैं प्रोसेस एडमिशन का तो वो सारा चीज़ बताया जाता है आपको। हम तो यहाँ पे उन्होंने भैया ने रोक लिया मेरे को कि आगे आप नहीं जा सकते हैं, ऐसे संडे और संडे को अब कुछ है नहीं अंदर में और आप इधर से ही वापस हो जाएं। तो मैं फिर इधर से वापस होके दूसरा ब्लॉक पे गया था, अब चला दूसरा ब्लॉक पे, दिखाता हूँ आपको जो MBBS वाले स्टूडेंट जो क्लासेस होती हैं उधर चलते हैं और हॉस्टल की तरफ चलते हैं। गाइस इनके पास अभी बहुत ही इनका क्या बोलते हैं कि हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है इनका। आपको अगर हॉस्पिटल के बारे में जानना हो तो मेरे को बताएं कि मैं कि हॉस्पिटल के बारे में तो मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर हॉस्पिटल में, या फिर कैंसर हॉस्पिटल में अगर बोलोगे तब मैं इनका कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है उन पर वीडियो बनाऊंगा, या जैसे कोई पार्टिकुलर कोर्स है जैसे MS हो गया, MD हो गया, MD पेथ हो गया, या फिर पेडियाट्री हो गया, तो मैं सब में वीडियो बना दूंगा। एक स्टूडेंट है गाइस ये गया अभी, तो ये स्कूल ऑफ बेसिक साइंस एंड रिसर्च। ठीक है गाइस, तो चलते हैं इनके अंदर देखते हैं क्या है। आज गाइस स्टूडेंट नहीं दिख रहे हैं, अपने पहले ही बताया था कि आज संडे है, संडे पे ही मैं आया, लेकिन तो क्राउड यहाँ पे तो भरे हुए रहते हैं स्टूडेंट, तो हर जगह पे आपको स्टूडेंट मिलेगा। ये HR डिपार्टमेंट है, यह इनकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग है। यहाँ पे स्टूडेंट का तो बात ही मत पूछो गाइस, स्टूडेंट तो इतने स्टूडेंट है कि बहुत स्टूडेंट है यार इधर, और मुझे लगता है बहुत सारी कंट्री हैं, मुझे लगता है 15-20 कंट्री से या 20 या 25 कंट्री के स्टूडेंट तो मैंने देख रखा है अभी तक में, बाकी तो वो तो बोलते हैं 70-80 कंट्री के, पर मैंने 15-20 कंट्री के स्टूडेंट से मिल रखा है मैंने। ये इनका ग्राउंड है अंदर पे जो बैडमिंटन हो या क्या बोलते हैं उनको, हाँ बैडमिंटन ही खेलने का। चलते हैं इधर MBBS वालों की तरफ, तो गाइस हम आ गए हैं अब MBBS स्टूडेंट के क्लासेस की तरफ। ये जो सामने वाली बिल्डिंग देख रहे हो आप उधर जा रहा हूँ मैं, हॉस्टल है इनका, बहुत बड़ा हॉस्टल है। ठीक है ये देख रहे हो गाइस, ये हॉस्टल है इनका, ये हॉस्टल है। और आपको हॉस्टल के बारे में जानना हो या हॉस्टल का एक वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स करना। ये MBBS वालों की बिल्डिंग है, ठीक है गाइस, और आप चलते हैं उधर को बाहर की ओर।
ये हॉस्टल है इनका, देख रहे हो कितना बड़ा हॉस्टल है, बहुत बड़ा हॉस्टल है क्योंकि स्टूडेंट इनके पास इतना है कि इनको इतना बड़ा हॉस्टल बनाना पड़ रहा है, बहुत स्टूडेंट इनके पास। तो ये जो आप सामने वाला देख रहे हो वो जो बिल्डिंग बन रही है वो कैंसर हॉस्पिटल है, अभी इनका बन रहा है 1200 बेड का, कमिंग सून में इन्होंने कमिंग सून लिख रखा है अभी बोर्ड पर, उसकी हो जाएगी शुरुआत अकेस तो ख़त्म 22 में तो हो जाएगी। तो गाइस मैं एक बार फिर बता दूं कि स्टूडेंट कम है क्योंकि संडे आज है ही नहीं स्टूडेंट, तो ये कैंसर हॉस्पिटल है बन रहा है। तो गाइस अब चलते हैं बाहर की ओर, ये लेफ्ट वाला स्कूल ऑफ डेंटल साइंस का BDS वालों के लिए, ये स्कूल ऑफ डेंटल साइंस, और राइट वाला जो देख रहे हो आप स्कूल ऑफ बेसिक साइंस एंड रिसर्च वालों के लिए जो PhD कर रहे हैं वगैरह हैं तो उनके लिए। ठीक है गाइस, अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले। और आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरे को कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आया। तो गाइस जिस टॉपिक में आपको चाहिए वीडियो या कोई सा भी कॉलेज हो आप मेरे को कांटेक्ट करें या फिर कमेंट्स करें, मैं सारी बातें बताऊंगा। ओके गाइस, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं यहाँ पे और ये इनका एंट्री गेट है।